हेलो एवरीवन, क्या चल है आपका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जो कर लेना। आज हम बनाने जा रहे हैं केज बनाएंगे, ग्रिड स्टाइल में बनाएंगे। मैंने चार प्लांट लिए हैं और आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियो देखी होगी केज के ऊपर कि कैसे कैसे बनाते हैं। आज थोड़ा सा मैं आसान करने वाला हूँ इसको। आसान कैसे करूँगा कि ये वाले ऐसे आपने 1.5 इंची पाइप के ऐसे पीस लेने हैं। मैंने 6 से लेके 8 पीस बनाए हैं, जितने भी लगे वो देख लेंगे कितने लगते हैं। तो इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी गुलाई देने में, तो बहुत ही आसान तरीका होगा। मैं अभी शुरू करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं अभी दिखा भी देता हूँ मैं प्लांट कैसे टाई किए हैं। ये वाले मैंने 4 प्लांट लिए हुए हैं। इसको मैंने ऐसे मल्टीप्लाई जैसे मैंने क्रॉस किया हुआ है, इसको ये 2 प्लांट इसको और इसको ऐसे किया हुआ है। तो आगे मैं बताता हूँ इसको मैंने अभी कैसे, अभी मैं इसको आपस में टाई कर इसको केज बनाऊँगा, ग्रिल स्टाइल में बनाऊँगा। अभी मैं इसके बनाने की वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों अभी मैं केज बनाने वाला हूँ, जो ग्रिल बनानी है अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। ध्यान से देख लेना, सबसे पहले आपने ऐसे तार के टुकड़े ले लेने हैं, अपने हिसाब से देख लेना आप किस से चीज़ से टाई करना चाहते हैं। तो अभी प्रोसेस मैं शुरू करने वाला हूं। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं ना, जैसे ये सामने वाला प्लांट, जैसे ये वाला सामने है प्लांट ऐसे क्रॉस हो रहा है, और ये पीछे से जो क्रॉस हो रहा है इसको आगे पीछे से लेना, पहले ये वाला तो पहले ये वाला। इसको जैसे भी अभी ये इधर से क्रॉस है तो हम इसको ऐसे करेंगे, इस हिसाब से हम इसको टाई करेंगे, समझ गए ना, जाने कि ये ऐसे टाई होगा अभी। तो अभी मैं एक पीस ट्राई करता हूँ। अभी हमने 2 पीस लेने हैं। अभी जो ये वाला एक पीछे को क्रॉस हुआ है, अभी इसको आगे कर देना है ऐसे। तो इसको कर देना है पीछे ऐसे, जैसे कि ये अभी आगे है, इसको हो जाएगा पीछे। ये यहाँ पे पीस रखने हैं हमने, एक यहाँ पे, एक रखना है यहाँ पे। ऐसे करेंगे। और एक बात आपने ध्यान में रखना है, जो ये वाली लाइन है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये वाली क्रॉस जो बांधना है बिल्कुल सीधा बांधना है। तो अभी मैं इसको टाई करने वाला हूँ। और ये वाला बिल्कुल सीधा होना चाहिए ऐसे, ये वाला ये सीधा, ये लाइन जाएगी ये सीधी जानी चाहिए, और ये वाली सीधी होनी चाहिए। अभी हम ये वाले पीस यहाँ लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो गलाई है ना वो बिल्कुल सेम रहेगी नीचे जैसी। ऐसे जाएगा ये भी पीछे से सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, ये लैंड भी, अभी ये वाली भी इसके हिसाब से सीधी रखनी है।
वाला गलत हो गया, ये पीछे करना था। अभी ऐसे जुड़ रहा है ना, अभी हम इसको स्टिक के सहारे से इसको सीधा करेंगे। दोस्तों ये हो गया है बिल्कुल तैयार हमारा जो केज, जो ग्रिल स्टाइल में है। बहुत आपको अच्छा ही लग रहा होगा, देखो कितने स्टाइल में। ये जो पाइप है ये आप जरूर लगाना, इससे थोड़ा सी ना आसानी हो जाती है गुलाई देने में, क्योंकि इधर उधर नहीं जाता। मेन कारण यही था, जो स्टिक लगाई है ये इसलिए लगाई है कि इधर उधर ना हो। हम इसको कम से कम एक साल ऐसे ही रखेंगे, जब तक ये जो हमारी ये ब्रांचें जो हमने टाई की हुई है ना आपस में, बिल्कुल ये आपस में अटैच नहीं हो जाती, तब तक हम इसको वायर को खोलेंगे नहीं। और कम से कम साल डेढ़ साल लगेगा इसको, ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। फिर हम इसकी सारी वायर खोल देंगे, जो स्टिक है ये भी निकाल देंगे, जो पाइप के टुकड़े हैं ये भी निकाल देंगे, और बहुत ही अच्छा हमारा केज तैयार होगा। अगर ये हम मार्केट से लेंगे, बहुत ही आपको भी पता होगा, आपने किसी ना किसी ने ट्राई जरूर किया होगा इसको, बहुत ही कॉस्टली ये प्लांट मिलता है ऐसा, जो केज ग्रिल स्टाइल में होता है कम से कम ये 3,000 से ऊपर मिलेगा आपको। तो आपको ये मेरा स्टाइल कैसा लगा, जो मैंने अभी केज बनाया है जो अपना ग्रिल स्टाइल में, कैसा लगा हमें जरूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जो कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।